फाइनली इंडस बैटल का क्लोज बीटा आ चुका है अब एंड्रॉइड के लिए भी, एंड मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कैसे गेम को खेल सकते हो। एंड मुझे पता है आप लोग के डाउट्स होंगे कि आप लोग को इंडस की क्लोज बीटा की कैसे मिलेगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। वैसे लास्ट वीडियो में हमने जो है एक गिवअवे अनाउंस किया था, जिसके विनर यहाँ पर मैं अनाउंस करने वाला हूँ इन 1, 2, 3, एंड इसके विनर है चेक आर्टिस्ट। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ब्रो। एंड आप लोगों को पता ही यार, देखो एक गिवअवे तो मैं नहीं करने वाला हूँ, फ्यूचर में और गिवअवे होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो है आज इंडस का क्लोज बीटा का ट्रेलर आ चुका है। सबसे पहले मैं जो है इस पर रिएक्ट करता हूँ, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत सारी चीजें। तो चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। ओ भाई साहब, स्टार्टिंग में ही मजा आ गया यार। ओके, निर्वाणा आ रहा है हमारा। गुफा लोकेशन, वो स्क्वाड्स बाकी है। बचे हैं, कुछ सोचना पड़ेगा। बाय। तूने बोला था ना कि कॉस्म्यूम लो तो इंस्टेंट विन। नेक्स्ट लेवल वॉइस हो यार हिंदी वाला। पूरी गैलेक्सी में सिर्फ एक ही सोच है, और अगर कॉस्मियम है तो कवन भी पास ही होगा। इतिहास बनाने का, लेजेंड्स बिखरेंगे या बनेंगे, क्योंकि दस लोग कितनी मेहनत लगी होगी भाई इसमें। भाई पुराने तरीकों से नए गेम्स नहीं जीते जाते। भाई साहब, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। क्लोज बीटा लाइव नाउ। तो आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया है, एंड भाई सही में गूज बम्प्स आर लाइक भाई नेक्स्ट लेवल यार। ट्रेलर मतलब बना है, एंड देखने में लग ही नहीं रहा यार कि ऐसे गेम्स अब इंडिया में आने वाले हैं। सही में यार, मतलब पूरी इंडस्ट्री को हैट्स ऑफ जिन लोगों ने मतलब इतनी मेहनत करी है इस ट्रेलर को बनाने के लिए। एंड आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रेलर के ब्रेकडाउन के बारे में। सबसे पहले ब्रेकडाउन मैं करता हूँ कॉस्म्यूम के बारे में। दरअसल इस ट्रेलर में हमें ये दिखाया गया है कि कॉस्म्यूम हमारा जो गेम में है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड उससे हमारा पूरा मैच चेंज हो सकता है। यानी कि वो एक ऐसा स्टोन है जिससे कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे गेम में क्या होने वाला है। या तो आप लोग उस स्टोन को उठाने के लिए मैच को जीत भी सकते हो, या फिर वहीं पर फिनिश हो सकते हो। एंड आप लोगों को ये तो पता ही है कि हारा हुआ मैच बहुत आसानी से जीता जा सकता है,
जो कि हमारे कॉस्मियम क्लच में भी दिखाया गया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो भी सारी हैपनिंग्स देखते हो, यहाँ पर जितने भी फाइट्स हो रही हैं, वो गुफा लोकेशन दिखाई गई है। गुफा लोकेशन को मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी कवर किया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हो। ये लोकेशन हमारी गेम की जो है हॉट ड्रॉप लोकेशन होने वाली है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे आने वाले हैं एंड यहाँ पर लूट भी जो है नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है। लोकेशन की बात कर लूँ तो बहुत ही वास्ट लोकेशन है, बहुत ही बड़ी लोकेशन है एंड डिटेल्स भी बहुत ही ज्यादा है, जिन्हें की बहुत ही ज्यादा इंडियन टच हमें दिया गया है। एंड यहाँ पर हमें मल्टीपल लेवल्स की फाइट देखने को मिलेगी एंड आप लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते यार, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल फाइट्स होने वाली है। उसके बाद ट्रेलर में बहुत सारे टैक्टिक्स दिखाए गए हैं, यानी कि सिर्फ गन फायर ही नहीं, गन फायर के साथ में और भी सारी चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि मोर्नी के टैक्टिक्स या फिर उसके आईक्यू, उसने कैसे आईक्यू यूज करा एंड स्मोक ग्रेनेड किया एंड उसके बाद में बाइक पे कवर लिया, कवर लेते लेते उसने जो है फाइट करी एंड मेली किल वाला जो यहाँ पर सेक्शन आया, मेली किल वाला जो सीन आया उसमें यार मोर्नी देखो मतलब क्या ही जबरदस्त स्किल करती है, मतलब भाई हम तो दीवाने हो गए यार मोर्नी के। एंड जो कि गन के एनिमेशन है, जैसे कि वी फ्यूरी गन के एनिमेशन आप लोग देख सकते हो, जब मोर्नी यहाँ पर शूट करती है तो उसका जो एनिमेशन है उसकी मतलब डिटेलिंग देखो, जो कि मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल हम लोगों को देखने को मिलती है। अब देखो ये कोई बात ट्रेलर से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो हमारे जो इंडस गेम में है ना, जो भी मतलब कैरेक्टर्स आते हैं उनके पीछे कोई ना कोई देखो हिस्ट्री तो होती है। जैसे कि हमारा रिसेंटली पोकरन कैरेक्टर आया था तो वो होमीजी बाबा के ऊपर बेस्ड था एंड जैसे कि हमारी हीना कैरेक्टर है तो वो भी हीना सिद्धू पर बेस्ड एक कैरेक्टर है, जिसकी बैक स्टोरी है एंड बताया गया है कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है या फिर किससे इंस्पिरेशन लेकर के बनाया गया है। अब देखो इंडस गेम में ये सारी चीजें होती है, लेकिन भाई बाकी गेम्स को आप लोग ले लो, जैसे कि BGMI या फिर फ्री फायर, इन लोगों को मतलब पैसे कमाने से ही नहीं फुर्सत है, आए दिन मतलब भाई उसमें कोई ना कोई स्किन्स आती रहती है एंड वो भी मतलब पेड ही होती है एंड कैरेक्टर्स के नाम पे आप लोगों को ऋतिक रोशन या फिर रणवीर सिंह जैसे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, वो भी कुछ फेम लेने के लिए लॉन्च कर देते हैं लोग, तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट के सीन में हम लोग देखते हैं कि मोर्नी यहाँ पर जो है कॉस्मियम स्टोन को लेकर के निकल जाती है एंड हीना अपनी टीम के साथ में वहाँ पर जैसे ही पहुंचती है तो वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होती है। अब या तो वो इसलिए डिसअपॉइंट होती है कि उसने वहाँ पर कॉस्मियम स्टोन नहीं कैप्चर कर पाई, या फिर इसलिए कि वो मैच को नहीं जीत पाई, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एंड मेरे हिसाब से नेक्स्ट ट्रेलर में जो है हमें हीना का रिवेंज भी देखने को मिल सकता है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, तो अगर एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो यार एक बारी। नेक्स्ट हम लोगों को टू व्हीलर की स्किन देखने को मिलती है, जिसपे की मोर्नी कैरेक्टर बैठ करके आती है एंड उस पर नई स्किन भी होती है, यानी कि भाई ये बाइक जो है मेरे को काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है एंड इसका नाम आप लोग गैस भी कर सकते हो कि क्या होने वाला है। उसके बाद फाइनली ट्रेलर में दिखाया जाता है कि क्लोज बीटा इज नाउ लाइव। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग इस क्लोज बीटा को कैसे खेल सकते हो या फिर क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो पिछले कुछ वीडियोस में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा टेस्ट फेस 1 चल रहा था, जिसमें कि iOS पर टेस्टिंग चल रही थी, लेकिन अभी टेस्ट फेस 2 चालू हो चुका है, यानी कि एंड्रॉइड पर भी टेस्टिंग चालू हो चुकी है एंड अभी कुछ सेलेक्टिव लोगों को दिया गया है जो कि इंडस के डिस्कॉर्ड पर भी ज्वाइंट है एंड मुझे पता है तुम लोग ज्वाइन नहीं हो तो इंडस के डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो ना भाई, आप लोगों को गेम मिल जाएगा देखने को, ठीक है। कुछ सेलेक्टिव लोगों को दिया जा रहा है, उसके बाद में बहुत सारे लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद में इनसाइडर्स को भी दिया जाएगा, यानी कि मैं क्रिएटर्स को भी दिया जाएगा गेम। अब आप लोगों के मन में एक डाउट तो है कि बीटा की, ये बीटा की आखिर है क्या? देखो बीटा की एक तरीके से ऐसी चीज है, जैसे कि आप लोग फेसबुक पे अपना पासवर्ड डालते हो, जैसे कि व्हाट्सएप पे अपना OTP डालते हो या फिर इंस्टाग्राम पे अपने पासवर्ड डालते हो, तो वो एक की होती है, ठीक है, एक OTP एक की होता है। ऐसे ही इसमें एक की होगा जिसको कि आप लोग रिडीम करके के अपने गेम को खेल सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास में की नहीं है तो आप लोग कैसे जा सकते हो। सो गाइस, ये वाली वेबसाइट जो है इंडस ने अभी रिसेंटली ज्वाइन करी है, अभी हमारी कीज अभी जो है रोल आउट नहीं हुई है, यानी कि मैंने जैसे कि बताया कुछ ही लोगों को दी जा रही है, अभी पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप लोगों के पास में की है या फिर नहीं है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जिसके पास की नहीं है वो यहाँ पर क्या कर सकता है, देखो यहाँ पर कुछ भी मत डालना, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी मत डाल देता हूँ तो मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉक हो जाएगा एंड अगर आप लोग 10 से ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हो तो आप लोगों का अकाउंट जो है लॉक हो जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर वेट लिस्ट में जा सकते हो अगर आप लोगों के पास में की नहीं है, ठीक है। वेट लिस्ट में जाने के बाद में आप लोग यहाँ पर अपना नंबर टाइप कर सकते हो, जो भी आप लोगों का 10 digits का होगा। उसके बाद में आप लोग अपना OS सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास में एंड्रॉइड है एंड आप लोग अपना ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप लोग कोई भी ब्रांड पर खेलते हो गेम, ठीक है, तो मेरा तो है यहाँ पर पोको। देन आप लोग अपना फोन का मॉडल लिख सकते हो, जैसे कि मैं खेलता हूँ पोको X3 प्रो में एंड आप लोग अपनी सिटी का नाम डाल सकते हो, तो मैं हूँ शामली उत्तर प्रदेश से, तो मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ।
ठीक है, तो आप लोग ऐसे साइन अप कर सकते हो एंड वेट लिस्ट ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को जब भी कीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी मतलब बड़े लेवल पे, तो आप लोगों को की देखने को मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, आप लोगों को कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा आपको यहाँ पर जो भी आप लोग नंबर टाइप करोगे। एंड ये सेकेंड चीज उन लोगों के लिए जिनके पास में ऑलरेडी की है, ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए वेट लिस्ट नहीं है, यानी कि आप लोगों को वेट लिस्ट की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर जो है रिडीम कर सकते हो की को, यहाँ पर आप लोग एंटर कर सकते हो। अब जिन लोगों के पास में ऑलरेडी की है वो ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्कॉर्ड के मेंबर्स होंगे, तो डिस्कॉर्ड वालों को यहाँ पर जो है ऑफिशियल टीएम चला जाएगा मॉडरेटर्स के द्वारा या फिर एडमिन्स के द्वारा, वहां पर आप लोगों को जो है एक की मिल जाएगी, यानी कि एक ऑफिशियल की, यहाँ पर आप लोग जा सकते हो, उसको टाइप कर सकते हो एंड उसके बाद में अपने गेम को एंजॉय कर सकते हो। अब ये तो बात थी बीटा की, लेकिन बीटा के अलावा आप लोगों को बहुत सारी चीजें गेम में देखने को मिलने वाली हैं, जो कि आप लोगों को बीटा प्लेयर से ग्लोबल प्लेयर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि आप जो बीटा वर्जन के प्लेयर हो वो बहुत ही टॉप लेवल के प्लेयर होने वाले हो ग्लोबल वर्जन वालों से। अब जो बीटा वर्जन के प्लेयर्स होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स होंगे, यानी कि कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स होंगे, जैसे कि आप लोग बीटा वर्जन के हो तो आप लोगों को एक स्पेशल फ्रेम दिया जाएगा जो कि आप लोग अपनी आईडी पर लगा सकते हो एंड आगे जाकर के आप लोग अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हो कि भाई देख मैं इस बीटा वर्जन का प्लेयर था एंड मेरे पास पे ये फ्रेम है, यानी कि लोग आप लोगों को जान पाएंगे कि आप लोग बीटा वर्जन के प्लेयर्स हो जो कि उस टाइम से गेम को खेल रहे हो। एंड यार सही में भाई ये नेक्स्ट लेवल चीज होने वाली है। उसके बाद या तो ऐसी कॉस्मिक किट या फिर ऐसे इवेंट क्रिएट जो कि कभी भी आउटफोर्स सेल नहीं होंगे, यानी कि वो कभी भी बाकी प्लेयर्स को बेचे नहीं जाएंगे एंड वो एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए होंगे, जो कि आप लोग मतलब उस टाइम पर दिखा सकते हो कि भाई ये कितना रेयर आउटफिट है जो कि सिर्फ आप लोगों के पास में होगा एंड और किसी के भी पास में नहीं होगा। एंड एक कॉस्मिक कैरेक्टर आप लोगों को दिया जाएगा अगर आप लोग इंडस के लीडर बोर्ड के बीटा वर्जन के लीडर बोर्ड में टॉप पर रहोगे। आप लोगों को पता ही है देखो बीजीएमआई या फिर फ्री फायर में बहुत सारे रैंक लीडर बोर्ड्स होते हैं जिसमें कि जो है टॉप लेवल के प्लेयर्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी जो है लीडर बोर्ड रहेगा जिससे कि आप लोगों की परफॉर्मेंस रहेगी। आप लोग टॉप पर रहोगे तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल कॉस्मिक कैरेक्टर बनाया जाएगा जो कि गेम में किसी के भी पास में नहीं होगा एंड वो सिर्फ आप लोगों के पास में होगा, यानी कि भाई समझो वो कितना ज्यादा रेयर कैरेक्टर होने वाला है। एंड देखो आई नो यार, देखो बहुत सारी स्किन जो है बाकी गेम्स में ये जो है लाखों या फिर करोड़ों रुपए मतलब बंदे खर्च कर देते हैं, लेकिन यही चीजें इंडस के बीटा वर्जन में आप लोगों को फ्री में देखने को मिल रही है, तो यार यही तो अलग बात है जो कि हमारे इंडस गेम की है। बाकी इंडस की कीज मैंने आप लोगों को बता दी है कि आप लोग कैसे ले सकते हो, तो इंडस के डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लो या फिर आप लोगों के यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तो इंडस के डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना एंड आप लोग चैनल को तो ऑफिशियली मेरे भी फॉलो करते हो। लेकिन यार वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज मैंने आप लोगों को कही थी कि मैं आप लोगों को गिव अवे के बारे में बताऊंगा, तो जी हाँ मैं आप लोगों को इंडस का गिव अवे लेकर आया हूँ स्पेशली। तो अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाते हैं कंप्लीट या फिर 50 कमेंट्स भी हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को इंडस की कीज का गिव अवे करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आप लोग अपने घर पे बैठकर इंडस गेम को खेल सकते हो एंड कीज आप लोगों को मिल जाएंगी। एंड बाकी इस वीडियो में आज जो भी विनर लिख ले हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर से डीएम कर देना, आपकी डिटेल्स रहेंगी एंड उसके बाद में आपको जो है प्रोडक्ट शिप हो जाएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।